जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजरिया पाकिस्तान में, जहाँ इकबाल डे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है और मेरे साथ मौजूद है अहमद हमदानी साहब, उनसे बात करूंगी कि जी सर इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और इकबाल डे के हवाले से भी कुछ मुझे बात बताइएगा और उनकी शायरी के मतलब मुझे कोई एक दो शेर भी आप सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजरिया पाकिस्तान की बड़ी खिदमात हैं, अल्लामा इकबाल कायद आज़म और बड़ी जो पाकिस्तान के जितने भी लोगों ने जद्दोजहद की पाकिस्तान के लिए, उन बुज़ुर्ग हस्तियों के लिए बड़े ये इंतजाम करते हैं, बड़े यहाँ तकरीबात मुनक़िद करते हैं नजरिया पाकिस्तान वाले, और मजीद निज़ामी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी खिदमात हैं, जो वो भी उन्हीं की ये बुनियाद रखी हुई है। तो यहाँ अल्लामा इकबाल के तो अशार ऐसे हैं कि जैसे कुरान पाक की आयात हैं उनके तर्जमे के साथ उनके अशार मिलते हैं, और फिर उसमें उनके अशार में बच्चों को बड़ों को सबको उन्होंने सबक दिया हुआ है, कभी अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करो और अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करो, और बड़े उनके अशार बड़े बड़े अच्छे हैं कभी कि इसमें अपनी लाइफ जो है इंसान दुनिया की लाइफ भी अच्छी बनाए और आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी बनाए। सारे अशार में उनके हर अशार में बड़ा अच्छा उनकी बड़ी खिदमात हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। तो दो शेर मैं पेश करता हूँ। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना नाम और मुकाम पैदा कर। इकबाल की शायरी आज भी हमारे दिलों में जिंदा और जावेद हैं। जी।